आपके गुड़हल के पौधे में भी कलियां नहीं बन रही हैं, या फिर कलियां पीली होकर गिर रही हैं, पत्तियां पीली हैं, मुड़ी हुई हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पेस्ट का भी अटैक हुआ है, मिलीबग, थ्रिप्स, माइट। तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी आज इस वीडियो में। गुड़हल की जितनी भी प्रॉब्लम है वो आज हम सॉल्व करेंगे, और कुछ घरेलू चीज़ों से, और जो हमें मिट्टी में देना है और जिस चीज़ का स्प्रे करना है, जिससे कि पेस्ट भी भागेगा और लीव्स भी शाइनी होंगी, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किस पोषक तत्व की कमी से कलियाँ गिरने लगती हैं, पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं। गुड़हल जो एक बहुत हैवी फीडर प्लांट है, अगर जब हम प्लांट को डॉर्मेंसी से आने के बाद इसको अच्छी फीड की ज़रूरत है, अगर हम इसको अच्छी फीड नहीं देंगे, अच्छा खाना नहीं देंगे, तो प्लांट की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब प्लांट की मिट्टी में कैल्शियम की कमी होती है, तब प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं और कलियां भी बिना खिले ही पीली होकर गिरने लगती हैं। तो आज आप शेयर करेंगे किन चीज़ों से हम कैल्शियम बैलेंस कर सकते हैं गुड़हल की प्लांट की मिट्टी में। और जो कैल्शियम की कमी होती है उसको दो कारणों से होती है। एक तो प्लांट की मिट्टी का जब पीएच ठीक नहीं होता है, पीएच ज़्यादा होता है प्लांट की मिट्टी को जितना पीएच चाहिए, या फिर उससे कम होता है, तो हमें ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिससे कि प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस हो। तब जो है ये आपकी प्रॉब्लम जो है कलियां गिरने वाली, पत्तियां पीली होने वाली, पत्तियां मुड़ी होने वाली, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरा कारण है प्लांट को पानी कम या ज़्यादा देना, पानी बैलेंस ना देना। पानी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लांट की मिट्टी में पानी ज़्यादा होता है तब भी प्लांट प्रॉब्लम में आता है, कम होता है तब भी प्रॉब्लम में आता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पानी ज़्यादा कम देने से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है पौधे की मिट्टी में, और पीएच भी जो गड़बड़ होता है तब पौधे में कैल्शियम की कमी होती है। तो कैल्शियम जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैल्शियम जो है जब मिट्टी में सही मात्रा में होता है तभी रूट्स जो हैं वो पोषक तत्वों को ले पाती हैं और पौधे तक पहुंचाती हैं और लीव्स अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं। तो इसलिए कैल्शियम का मिट्टी में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें मिट्टी का पीएच भी ठीक करना होगा, पानी भी ठीक से देना होगा प्लांट को, और प्लांट की जो कैल्शियम है उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना होगा। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे पहले, वैसे हम तो ऑर्गेनिक देते हैं, अगर आप चाहें तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट के ये दाने जो हैं ये आप पानी में घोलकर एक चम्मच अपने प्लांट की मिट्टी में दे सकते हैं, इसको महीने में एक बार, तो जिससे कि कमी कैल्शियम की पूरी होगी। और दूसरा जो सबसे अच्छा उपाय है, घरेलू है, वो है ये चावल का पानी। चावल धुला हुआ चावल का पानी है ये। आप चावल को धोने के बाद, हमारे घर में डेली पानी निकलता है, इसमें 25% 25% इसमें कैल्शियम पाया जाता है, और एक बहुत अच्छा रिच सोर्स है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। ये जो है इसमें पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ये मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस करता है। इसके साथ ही इसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाया जाता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी भुरभुरी बनती है, मिट्टी उपजाऊ बनती है। तो ये धुले हुए चावल का पानी आप उसको तुरंत धोने के बाद भी दे सकते हैं प्लांट को, और अगर आप उसको 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते रखने के बाद अगर आप देते हैं तब इसमें एक स्मेल आने लगती है, फर्मेंटेशन इसमें हो जाता है। उसके बाद आपको इसमें 2 गुना या फिर 3 गुना पानी मिक्स करके ही देना है, कभी भी प्योर नहीं देना है। तो अगर 1 गिलास पानी है ये, तो आप इसमें 2 गिलास पानी और मिक्स कर लीजिए, 3 गिलास तैयार हो जाएगा, और 1-1 गिलास आप अपने सारे गुड़हल के पौधों में डाल दीजिए, जिससे कि प्लांट जो है वो हेल्दी बनेगा। और प्लांट की इसी तरीके से आप 1 गिलास पानी में 2 गिलास पानी और मिक्स करके प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए। इसकी स्मेल से मिली बग मर जाता है, पेस्ट हट जाता है, ब्लैक बग भी क्लीन जाते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी केवल ये चावल के पानी को देने से आपको अपने गुड़हल के पौधे में। और पीएच को मेंटेन करने के लिए आप जो है, आप ये जो स्प्रे है आप हर तीसरे दिन कर सकते हैं, जिससे कि पेस्ट जो है बिल्कुल ही हट जाएगा। ये कॉफ़ी पाउडर ये मिट्टी ठीक करता है गुड़हल की, और गुड़हल की मिट्टी को एसिटिक बना के रखता है, मिट्टी का पीएच बिल्कुल बैलेंस कर देता है कॉफ़ी पाउडर। इसको आप 10 से 15 दिन में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर पानी में घोलकर, या फिर इसको ऐसे ही पाउडर जो है वो आप प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं,
जिससे कि पौधे की मिट्टी का पीएच ठीक होगा, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी और आप देखेंगे कि फूलों का रंग भी बहुत ही ब्राइट होगा। तो अब इन सब चीज़ों से आप जो अपने प्लांट की मिट्टी में कैल्शियम भी ठीक कर लेंगे, पीएच बैलेंस कर लेंगे और पानी भी अगर आप ठीक से देंगे तो प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसकी जगह एक चॉक को भी इसमें दबा सकते हैं। आप 1 से 2 इंच का टुकड़ा चॉक का, जिसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसको अगर मिट्टी में दबा देते हैं, वो भी कैल्शियम का सोर्स होता है और उससे भी पीएच जो कैल्शियम की कमी पूरी होती है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।